धन्यवाद अम्बरीश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें रख दी हैं। मैं अपनी तरफ से सारे श्रोताओं और हमारे पैनल वक्ता हैं उन सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले, जैसा कि अम्बरीश जी ने कहा कि सबसे पहले मैं अंबेडकर जयंती के पूर्व दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ज्योतिबा फूले का भी स्मरण करता हूं, उन्हें भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इन दोनों जयंतियों के बीच में, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के बीच में, हमने इस विषय पर कि भारत में समावेशी और समतामूलक शिक्षा पक्ष चुनौतियां, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इन इंडिया चैलेंजेस बिफोर दलित्स एंड मार्जिनलाइज्ड, आयोजित किया है इस विषय पर। इसका, इस टाइम का अपना विशेष महत्व है कि इन दो दलितों की शिक्षा के प्रति काम करने वाले दो विशेष महात्माओं की जयंतियों के बीच में हम ये आयोजन कर रहे हैं, या इसका सबसे बड़ा महत्व है। साथियों, एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब आजादी का आंदोलन हो रहा था तो उसमें उन दलितों ने भी अपना योगदान दिया था, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी थी, संघर्ष किए थे, जेल गए थे, इस उम्मीद में कि सदियों से जो उनको पछाड़ कर पीछे छोड़ दिया गया है, जब यह आय होगा और वह समानता के रथ पर चढ़ करके आगे बढ़ेंगे। 73-74 वर्ष होने जा रहे हैं और आज फिर हम जो थोड़ी बहुत उपलब्धियां हुई भी थी शिक्षा का अधिकार प्राप्ति के बाद, उन उपलब्धियों से हम फिर नीचे फिसलते चले जा रहे हैं। आप यूडायस के डाटा को उठा करके देख लीजिए कि उसमें दलितों और वंचितों के वर्ग के बच्चे किस तरह कम नामांकित। हाल ही में पिछले महीने 16 तारीख को बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य था, तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो जवाब था उनका, उसमें बताया गया है कि 1 साल 8वें से 9वें क्लास में जाने में करीब 1 लाख लड़कियां वंचित हो जाती है। वे 1 लाख लड़कियां दलितों और समुदाय परिवारों की ही है। इसलिए आज के संदर्भ बहुत दलितों और वंचितों के समक्ष जो शिक्षा की चुनौतियां हैं, समतामूलक शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, उन पर हम लगातार विमर्श करें। मैं वक्ताओं को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व एक छोटा सा अनुभव जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद एक स्कूल में जाने पर जो अनुभव हुआ उसको मैं शेयर करना चाहता हूं। कि हाल ही में पटना की बगल में एक विद्यालय में जब मैं गया, मेरे और भी कई साथी थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों पढ़ाई छोड़ देते हो, तो 3 उत्तर आए थे। एक लड़के ने कहा था कि गरीबी के कारण उनके माता पिता चाहते हैं कि वे रोजगार में जल्दी से जल्दी चले आए, यह लड़के का वक्तव्य है। बाकी जिन 2 लड़कियों ने 2 बातें कही, एक लड़की ने कहा कि जातीयता के कारण आज भी यह ऊंचे वर्गों में, ऊंची कक्षाओं में दलित वर्ग की लड़कियों का पढ़ा जाना समाज में आज भी आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है, उस लड़की का कहना था। कि छेड़छाड़ हुआ बड़ी समस्या है जिसके कारण हम हमारे माता पिता जल्दी स्कूल छुड़ा देना चाहते हैं। इस अनुभव के बाद मैं चाहता हूं कि हमारे जो आगामी वक्ता अपनी बातें करें उसमें इन अनुभवों के निचोड़ को भी शामिल करें। हमारे साथ प्रोफेसर एस श्रीनिवास राव हैं, ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड ऑल्सो चेयरपर्सन जाकिर हुसैन सेंटर फॉर फंडामेंटल स्टडीज। और जैसा कि
अम्बरीश जी ने कहा कि इज प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट इन इंडिया. तो आई वेलकम प्रोफेसर एस श्रीनिवास राव एंड आवर नेक्स्ट स्पीकर पैनल स्पीकर इज प्रोफेसर नागराज गुंडीमेडा. He is also a head of the Department of Sociology, Hyderabad Central University. He has so many research papers on marginalized class are published. He is also one of the prominent sociologist and educationist in India. Our other panel speaker is Professor Gopal Pradhan. Gopal Pradhan is professor in the Department of Letters and is director Equal Opportunity Cell in Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi. He has taught in Mahatma Gandhi International University, Wardha, and Assam University, Silchar also. Our next speaker is Dr. Akash Bhattacharya. He is a professor in Azim Premji University and he is a renowned historian and these days he is working on social origins of liberal education in colonial India and is now engaged in policy research in education, especially in interface with labor markets. So now I call invite Professor Srinivas Rao. Professor Srinivas Rao.